स्वागत है जी आप सबका छिंडोरा पॉइंट के एक और नए वीडियो में। भाई आज हम ट्राई करेंगे अंशु ढाबा का फूड। और ढाबे का फूड मतलब भैया बजट फ्रेंडली फूड और तगड़े लेवल वाला फूड भाई, मतलब जो हम बुफे की वीडियो बनाते हैं ना होम बुफे सीरीज की, उसी में ये एक वीडियो आता है। हमने जी आज कोशिश करी 10 से 12 लोगों के लिए जो है ना खाना वहां से हम लेकर आए हैं। और जगह जो सिलेक्ट हुई है ये हुई है जी आप लोगों के रिकमेंडेशन, जो आपके कमेंट्स आए थे उसी में से ये वीडियो सिलेक्ट हुई। नाम सामने शो हो रहे जी जिन जिन लोगों ने इस जगह के बारे में हमें बताया था, फूड हम ले आए। अब नेक्स्ट लोकेशन आप कहाँ की जाते हो वो आप हमें कमेंट करके बता दो और जिसकी वीडियो बनेगी उनको हमें देंगे शाउट आउट। अब आपको ये खाने की लुक दिखाएंगे जी, टेस्ट करेंगे और अपना एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों से शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जी। फटाफट आपको खाने की जो है लुक दिखाते हैं और गेस करो कि ये 10 से 12 लोगों का खाना जो है ना कितने रुपए का आया होगा। चलो जी बारी है जी अब आपको खाने की लुक दिखाते हैं जी। ये तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना प्याज चटनियाँ हरी मिर्च वगैरह ये सब निकली हैं। ये हमारी रोटियाँ हैं ये साइड कर देते हैं और अब ये इसमें से जो है ना जी खाना निकालना जरा शुरू करते हैं। आप देखते रहो जी इसमें क्या क्या चीज़ें और आप गिनते जाना कितने आइटम हैं, मतलब ये आप गेस करना कि अब इसमें कितनी सारी चीज़ें होंगी। हम आपको कह रहे हैं कि 10 से 12 लोग जो है ना जी ये फूड जो है इंजॉय कर सकते हैं। और हर डब्बी 500 ml है जी, जो हाफ क्वांटिटी है ना कि ये फुल क्वांटिटी है, ठीक है जी। तो ये सारा खाना आया है जी, अब आपको एक एक करके इसकी लुक दिखाना शुरू करते हैं। तो भाई आपको दिखाने के लिए जी हम 7 सब्जियां लेकर आए हैं, शुरुआत करते हैं जी। अब इसके अंदर कौन सी है वो देखते हैं जी। सबसे पहली कौन सी डब्बी ओपन होती है? अच्छा ये है जी इनकी मिक्स वेज जी, हाफ क्वांटिटी है। प्राइस आपको जो है ना जी हम अभी थोड़ी देर बाद बता देंगे, टोटल पे कितना किया वो भी बताएंगे और इंडिविजुअल भी बताएंगे, ठीक है जी। बाकी मिक्स वेज जी काफ़ी अच्छी लग रही है, देखो पनीर है, मटर है, फलियाँ हैं, गाजर है, आलू गाजर वगैरह सब कुछ है। काफी कुछ है जी और काफी अच्छी क्वांटिटी जो है ना 500 ml की बढ़िया से भरी हुई लग रही है, मतलब एटलीस्ट ना 2 बंदे बड़े आराम से खा सकते हैं खाना। इसमें क्या आया है जी, इसमें ऊपर तो पनीर नजर आ रहा है पंकज, ठीक है। अच्छा ये थे वो जी पिंडी छोले। आज जी हम थोड़े से जो है ना नॉर्मल वाले छोले नहीं लेकर आए, पिंडी छोले लेकर आए जी। और देख लो टमाटर है, पनीर है, अनियन है भाई साहब, नीचे छोले हैं। प्रेजेंटेशन देख रहे क्या ही कमाल की, और छोले का साइज देख लो जी बहुत ही अच्छा है। और आप क्लोज लुक देखते रहो बताना भाई कौन सी चीज अच्छी यार लग रही ये है। मेरे को मैंने हमने सिर्फ नाम के उससे ले लिया था, है ना, प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है। अच्छा इनके छोले भी अलग से थे और पिंडी छोले अलग थे, पिंडी छोले अलग से थे जी, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब नेक्स्ट ओपन करते हैं, ये देखते हैं इसमें क्या है। आई थिंक इसमें दाल मखनी लग रही है मेरे को, हाँ इसमें दाल मखनी, दाल मखनी यार इसके ऊपर उन्होंने इतनी सारी क्रीम डाली थी वो कहाँ गई, वो सब घुल गई बीच में, है ना, काफी अच्छे नीचे, अच्छा गाड़ी गाड़ी जो है ना वो दाल नीचे हो गई है जी। तो दाल मखनी हमारी ना पिछले 1-2 बार से मिस हो रही थी, आज हमने मेन्यू में सबसे पहले दाल मखनी ही सिलेक्ट करी है, ठीक है। थोड़ी सी पतली पतली लग रही है, हमने इससे अच्छी गाढ़ी गाढ़ी दाल मखनी देखी है। बाकी मेन तो भाई फ्लेवर्स का है, हाँ फ्लेवर्स अच्छा हुआ तो पतली भी चलेगी चले। तो भाई 3 सब्जियां हमने आपको दिखा दी, अगली 4 सब्जियों की बारी है जी। यहाँ सेंटर से शुरुआत करते हैं, ये है जी मटर मशरूम। तो हमने कहा भैया कुछ आपको अलग भी दिखाया जाए, और वो जो वहाँ के जो ढाबे के जो बंदा था जी वो भी बोल रहा था कि हमारी ये सब्जी काफी लोगों को पसंद आती है। तो हमने कहा चलो एक जो है ना अलग भी ना अच्छी रही है। चलो जी बहुत अच्छा लग रहा है, मशरूम के पीसेस अच्छे लग रहे हैं, मटर के पीसेस काफी अच्छे लग रहे हैं, रंगत तो सब्जी की बहुत अच्छी लग रही है। अगर खाना अच्छा हुआ तो हम तो इनके कस्टमर बन ही सकते हैं, पक्के वाले कस्टमर बन जाएंगे जी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है जी, इसमें है जी कड़ी पकोड़ा। भाई साहब पकोड़े का साइज ऐसे देखने में तो सही लग रहा है, जरा एक बार उठाकर देखें, ठीक है वो ऐसे लग रहा था ऊपर ना, एक्चुअली जो कड़ी है ना वो काफी अच्छी गाढ़ी है, और भाई खड़े मसाले वगैरह जो है ना काली मिर्च हो गई, काफी अच्छे कड़ी पत्ता वगैरह थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। सबसे अच्छी चीज ये कि हाफ प्लेट में 500 ml मिल रही है तो सही क्वांटिटी दे रहे हैं भाई, बढ़िया कड़ी की रंगत वाकई में बहुत अच्छी लग रही है जी। 2 चीजें रह गई अभी हमारी, है ना, देखते जाओ भाई साहब। आज जो है जी आपके लिए एक से एक बढ़िया वैरायटी लेकर आए हैं, और ये है जी पालक पनीर। हमने पालक कोफ्ता मांगा था उनसे, इन्होंने आज बनाया ही नहीं। और भाई पंकज फ्राइड पनीर है भाई साहब, बढ़िया लग रहा है यार, और पीसीस भी जो है ना मेरे ख्याल से 3-4 तो होंगे आराम से, है ना, छोटे छोटे पीसीस भी हैं, 1-2 इधर बड़े बड़े पीसीस भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, 2 या
तीन या चार तो बड़े आराम से है। ये है जी पनीर की सब्जी, पनीर बटर मसाला, और ऊपर बटर जो है जी अच्छे से तैर रहा है जी, नजर आ रहा है आप देखो। और ये सारी प्रिपरेशन जी हमारे सामने, पनीर के पीसेस अच्छे डले हुए हैं, ग्रेवी भी अच्छी लग रही है, देखो ग्रेवी में भी जो है ना साफ नजर आ रहा है, पनीर मैश्ड डला हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा है यार, सातों सब्जी है जी, अब आपको एक साथ दिखा देते हैं जी। और आपकी फेवरेट कौन सी है भाई इसमें से, बताना जरूर कमेंट। आज ऐसी वैरायटी हम लेकर आए हैं कि किसी ना किसी को, परिवार के हर बंदे को कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर लगेगा। एक बार आप इनकी क्लोज लुक देख लो, बिल्कुल बताना जी सबसे बढ़िया क्या चीज लगी आपको? मजा आ गया भाई, सब्जियों की रंगत देख के दिल खुश हो गया है। अब आगे क्या लेकर आए वो दिखाते हैं आपको। तो जी सब्जियों के साथ ना जी आपको रोटी दिखाते हैं। देखो हम रोटी में ना ऑप्शन तो बहुत सारे थे, लेकिन हम सिर्फ एक ही लेकर आए हैं, तंदूर बटर रोटी, और वो भी हम सिर्फ चार पीस लेकर आए हैं। मेनली हमारा टारगेट वही था कि सब्जियां आपको ज्यादा से ज्यादा दिखाएं। भाई साहब बटर भी काफी अच्छे लेवल में लगाया है, रोटियां चार हम लेकर आए हैं जी, और बटर भाई साहब कुछ ज्यादा ही लगा दिया यार, है ना। चलो जी चार रोटियां हम लेकर आए जी बटर वाली, ठीक है, और साथ में हम लेकर आए हैं जी जीरा राइस। तो आपको ये भी दिखा देते हैं जरा फटाफट, और ये देख लो जी कुछ 700 ml के आसपास ये डब्बी होती है, 500-700 ml है, है ना, बड़े आराम से। चलो इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप अंदाजा लगाना। ये जीरा राइस जो है जी सिंगल क्वांटिटी 50 rupees की आई है। अब थोड़ा सा आप अंदाजा लगाना कि इससे टोटल जो हम फूड लेकर आए हैं उसका हमने कितना पे किया होगा, और रायता भी लेकर आए आपको वो दिखाते हैं जरा। क्वांटिटी तो अच्छी लग रही है, बाकी आपको इसका प्राइस भी अभी बताएंगे। पहले जरा इसको आराम से डाल लेते हैं इसमें आराम से। ये जो पतला रायता मिलता है ना, बढ़िया सा मसाले वसूले डाल के, लस्सी टाइप वाला, तो वहाँ पर ये इस तरीके का है। और ढाबों में मिलता भी ऐसे ही है मोस्टली सब जगह। और ये भी यार एक ही में एक भर गया, एक और बाउल चाहिए होगा। तो भाई टेबल हमने रेडी कर लिया जी, प्रेजेंटेशन बताना कि आपको कैसी लग रही है, क्योंकि खाने की जो लुक है ना भाई वही जो है ना भूख को बढ़ाती है जी। और यहाँ पे है जी हमारे पास मिक्स वेज, उसके बाद है जी दाल मखनी, पनीर बटर मसाला, पालक पनीर, मटर मशरूम, और ये है जी हमारा पिंडी छोले, साथ में बूंदी रायता, हरी चटनी, जीरा राइस, सलाद है यहाँ पे भी बूंदी रायता है, और ऊपर है जी कड़ी पकौड़ा, और साथ में जी तंदूरी रोटी। ठीक है जी, आप बताना जी फूड की आपको लुक कैसे लग रही है, हमें तो बहुत अच्छी लग रही है जी। बारी है जी फूड टेस्ट करने की, लेकिन उससे पहले आपके साथ एक दो बातें शेयर करना चाहता हूँ भाई। अंशुल ढाबा नाम को ढाबा है, लेकिन एक तो हाइजीन हमें उनकी बहुत अच्छी लगी, हर चीज जो है ना प्रॉपर उन्होंने ढक के रखी हुई थी भाई। दूसरा भाई उनका जो स्टॉक मैनेजमेंट चल रहा था ना, इन्वेंटरी टाइप का भाई, CRM लगा रखा जैसे प्रॉपर रेस्टोरेंट वगैरह में होता है ना, उस तरीके से मैनेजमेंट चल रही थी, तो काफी अच्छा लगा देख के। अब जी हम जो है ना शुरुआत करने लगे, दो दो चीजें, जो कि चीजें बहुत ज्यादा है, तो दो दो चीजें जो है ना ट्राई करेंगे, जैसे दाल मखनी और कड़ी ट्राई करके फिर आपको बताएंगे कि दोनों में से हमें बेस्ट कौन सा लगा। चलो ट्राई करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले जी दाल मखनी ले भाई, अब गाड़ी हो गई यार है, टेस्ट करते जी। बोलूं भाई साहब मजा आ गया, मैं भाई दाल मखनी को फेल कर दिया कड़ी पकोड़ा ने, बिल्कुल मेरे को तो। लेकिन दाल भी बहुत अच्छी लगी, जब मैंने पहली बाइट ली ना भाई, एग्जैक्ट ढाबे वाली दाल होते ना वैसी है भाई, मजा दाल मेरे को भी स्वाद लगे। लेकिन अगर दोनों में से कंपैरिजन करने की जब बात आ जाएगी ना, तो भाई कड़ी पकौड़ा तो नंबर ज्यादा ले गया, बिल्कुल बहुत ज्यादा ले गया जी, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा ले गया। पैन में जो फ्राई करने का जो फ्लेवर आता है स्मोकी टाइप वाला, वो वाला जो फ्लेवर आ रहा है ना कड़ी को, नेक्स्ट लेवल लेकर जा रहा है। नेक्स्ट जी हम ट्राई करने लगे हैं जी इनके ये पिंडी छोले जी, और इसके साथ में हम ट्राई करेंगे मिक्स वेज। ठीक है, पहले पिंडी छोले ट्राई करते हैं, आ जाओ। भाई साहब आज तो ना सब्जियों की क्या टक्कर है, मजा आ गया भाई साहब, मिक्स वेज नेक्स्ट लेवल यार। और मजा इस राउंड में मिक्स वेज जीत गया भाई। पिंडी छोले मेरे को इतने ज्यादा खास नहीं लगे, एक तो फ्लेवर जो है ना मसाले वगैरह बिल्कुल ही लाइट है, बहुत नहीं चले, जितने इधर लाइट थे उधर वहां पे चटपटे मसालेदार है, तो इसलिए भाई मिक्स वेज विनर है। देखो ऐसा कमी नहीं है, लेकिन हाँ दोनों में से कंपेरिजन करे तो मिक्स वेज भाई बहुत ही कमाल का है। पिंडी छोले मेरे को अच्छे लगे, मेरे को दाल भी अच्छी इसलिए वजह से लगी थी,
कि जिनको लाइट फ्लेवर पसंद है ना उनको ये दाल मखनी और छोले अच्छे लगेंगे। दोनों अच्छे लगेंगे जी। जी हमारे पास दो चीज है जी, एक तो है पालक पनीर और एक है जी पनीर बटर मसाला। तो ये दोनों ट्राई करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इन दोनों में से जो है ना हमें सबसे बेस्ट कौन सा लगा। जी पनीर का मैंने थोड़ा सा पीस कर लिया है भाई, बाकी पालक वगैरह अच्छे से लगा लिए, आ जाओ टेस्ट करते हैं जी। भाई साहब दोनों की दोनों सब्जियां मेरे को पसंद आई हैं। क्या ही इसमें जो पनीर को फ्राई करेगा फ्लेवर आया है और पालक का फ्लेवर अल्टीमेट। लेकिन दोनों में से कंपैरिजन वाली बात करूँ ना तो पनीर बटर मसाला मेरे को ज्यादा अच्छा लगा यार। बटर मसाला के अंदर ना जो बटर का फ्लेवर आ रहा है वो नेक्स्ट लेवल आ रहा है। बाकी इसमें ना आप लोगों की चॉइस है, अगर आपको पालक खाना पसंद है ना तो पालक पनीर में भी कोई कमी नहीं है। पालक पनीर भी मेरे को स्वाद लगा काफी। मेरे को बहुत स्वाद लगा है दोनों में से, बता रहा हूँ भाई कि ये ज्यादा स्वाद लगा है। आप ना प्राइस गेस करना कि ये, और बड़े आराम से मेरे को लगता है कि ये 10 से 12 लोगों को सिर्फ आपको रोटियां घर में तैयार करनी पड़ेंगी या ढाबे से और ज्यादा मंगवानी पड़ेंगी, अदरवाइज ये 10-12 लोगों के लिए सब्जी बड़े आराम से है। और मैं तो कहता हूँ जी घर पे बना लेना, बढ़िया मामला हो जाएगा। प्राइस गेस करो, अभी आपको बताएंगे, सच बता रहा हूँ आप शौक होने वाले हो। लास्ट हमारी सब्जी रह गई जी ये मटर मशरूम वाली, आ जाओ इसको टेस्ट करते जी। आ गया भाई साहब, क्या ही स्वाद है, नेक्स्ट लेवल टेस्ट है। मैं सोच रहा था मैं अपने ना बेस्ट 3 बना चुका था, लेकिन अब चेंज हो गए भाई। मटर मशरूम बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है। और मटर मशरूम ना ढाबे वगैरह में कम ही मिलता है, लेकिन ना जो स्वाद है ना बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। मैं अपने बेस्ट 3 बता देता हूँ या 4 बता देता हूँ भाई। नंबर 1 कढ़ी पकौड़ा, बहुत मतलब ये फर्स्ट सेकंड नहीं है, टॉप 4 बता रहा हूँ मेरे लिए। कढ़ी पकौड़ा, उसके बाद पनीर बटर मसाला मिक्स वेज, और भाई ये मटर मशरूम मजा आ गया। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कढ़ी पकौड़ा तो मेरा नंबर 1 में जा रहा है सारों में से, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मेरे को पालक पनीर और कढ़ाई पनीर दोनों अच्छे लगे हैं। कढ़ाई पनीर नहीं, पनीर बटर मसाला। हाँ, पनीर बटर मसाला। बाकी मशरूम की सब्जी बहुत अच्छी है और मिक्स वेज बहुत बढ़िया है। एक बाइट और लेने लगा हूँ जी जरा कढ़ी पकौड़े की, और उसके बाद जो है जी राइस और रायता, ये दोनों टेस्ट करके बताएंगे। और रायते का प्राइस जो है ना ये इतने बड़े एक बाउल जो है ये 20 रुपीस का, मैं कह रहा था गैस करो तुम्हें प्राइस ही बता दिया, 20 रुपए का है जी। अब आप अंदाजा लगा लो खाना क्या प्राइस हमने पे किया होगा। एक बाइट इसकी और फिर राइस टेस्ट करेंगे। बाकी जिन लोगों ने सजेशन दिए थे भाई उनको थैंक यू सो मच, इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया सजेशन देते रहना ताकि आप लोगों की सजेस्टेड वीडियो हम बनाते रहे और साथ में आप लोगों को शाउट आउट भी मिलता रहे। क्या करें इसमें दाल मखनी, मैं तो कड़ी लेने लगा। तू कड़ी डाल इसमें थोड़ी सी जरा ना, और यहाँ से मैं थोड़ा सा पनीर ले लेता हूँ और टेस्ट करके बता दे। कर टेस्ट कर तू। लो जी थोड़ा सा पनीर ले ले, राइस ना थोड़ा सा पतला पतला बारीक वाला लग रहा है। इसका प्राइस मैंने आपको बता ही दिया था कि मात्र 50 रुपए है, क्वांटिटी 50 रुपए के हिसाब से काफी अच्छी है। रोटी का प्राइस बता देता हूँ जी, पनीर ये बटर रोटी जो है, तंदूरी बटर रोटी जो है, इसका प्राइस मात्र 8 रुपए है जी। और बाकी जो टोटल हमने पे किया ना सारी चीजों का मिला के 742 रुपए पे किया। इंडिविजुअल का हर चीज का प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि सबको जरूरी नहीं कि इतना सारा सामान लेना, कोई एक चीज लेनी है तो उसका प्राइस आपको 742 रुपए में जी। आपको क्या लगता है कि ये खाना वर्थ है या नहीं है ये आप हमें कमेंट करके बताना। बाकी जो बुफे आप तैयार करोगे अपने हिसाब से, कोई अप डाउन करोगे तो प्राइस उसका आपके हिसाब से बन जाएगा। बिल्कुल टेस्ट हमारे हिसाब से तो जी बहुत अच्छा है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाई, स्विगी जोमेटो में जो प्राइस जो है ना वो ऑलमोस्ट डबल है, तो ये जो प्राइस है ना डायरेक्ट टेक अवे का वाला है, तो आप वहां से जाके ले सकते हो। 20 रुपए वाला रायता तो टेस्ट ही नहीं किया, ऐसे कर दे क्या? मेरे को तो लग रहा है कि वो ना ग्लास में देते हैं वहां पर, लस्सी टाइप वाला है। और ये उन्होंने हमें बताया कि भाई पैकिंग में थोड़ी सी क्वांटिटी एक्स्ट्रा चली जाती है, नहीं तो ग्लास वहां पे छोटा सा था 200 ml टाइप वाला। वही है ठीक है, वो जो ग्लास में देते ना वैसा वाला। नियरेस्ट मैं तो सजेस्ट ये करूंगा भाई डायरेक्ट टेक अवे कर लेना तो प्राइस बहुत बचेगा आपको। जी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना, नेक्स्ट कहां की वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट कर देना जी। और बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।